أبك وتولى أن جاءه الأعمى. आप चीन बजी हुई यानी आपको बड़ी नागवारी हुई और आपने मुंह फेर लिया उस वक्त जब के एक नाबीना आपके पास आया अपनी हाजत और अपनी जरूरत लेकर अपनी बातें पूछने के लिए. वमायू दिल कला अल्लाह इज्जत का, आपको क्या पता कि उम्मीद है कि उस शख्स को नफा होगा. और इज्जत का कदम पाओगी जिक्र और वो नसीहत को कबूल करता तो आपकी नसीहत करना उसको नफा देता. इसके बिल मुकाबिल जिनसे आप बात कर रहे थे मन सबना, वो शख्स जो बेनियाज है और दीन से और आपकी दावत से लोग मुंह फेरे हुए हैं, नजरअंदाज किए हुए हैं, फन तलू का आपने उनकी जानी का. अगर वो ईमान न लाने और उनके दिल को प्रशिक्षित से पाक न हो तो आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं, इसलिए कि आपका काम तो रिसालत है और आपका काम बलाग मुबीन है, बात को अच्छी तरह समझा देना, बोलकर पेश कर देना. ये वो लोग हैं जिनके साथ में आपने बार बार दावत दे दी है और उनके सामने आपने बात खोलकर रख दी है, वो समझ चुके हैं लेकिन उनको ईमान लाना नहीं है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते. इसके बरखिलाफ जो नाबीना आदमी गरीब आपके पास आया था उसने आपकी दावत कबूल की हुई है और आपकी बात मानी हुई है और आपके दीन पर वो जमा हुआ है, तो तरजीह देने के काबिल, तवज्जो देने के लायक तो ये शख्स है जिसने आपकी दावत कबूल की. और जिसने आपकी दावत को रद्द कर दिया है और वो कबूल नहीं करते उनको आप कहाँ तक समझाएंगे और कहाँ तक उनको आप बार बार ताकीद करेंगे और तवक्को रखेंगे कि शायद ये अब ईमान लाए, शायद ये ईमान ले आए. हक तो उसका ज्यादा था जो ईमान ला चुका है, और जो ईमान नहीं लाया और नहीं लाना चाहता तो उसका हक तो इतना नहीं था कि उसकी वजह से आपने इसका इस शख्स से नाराजगी का इजहार किया. अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मा मन जाअक यसअ वहुवा यख्शा फअन्ता अन्हु तनहा. जो शख्स आपके पास खुशी खुशी आया और वो आपसे आपके दीन से मुतमईन है और वो आपके दीन मजीद सीखना चाहता है तो आपने उससे बेएतनाई फरमाई, उसकी तरफ से नजरें फेर ली, तवज्जो नहीं करना. देखो ये कुरान जो है ये अल्लाह की तरफ से नसीहत का सामान है, जिसका जी चाहे नसीहत कबूल करे. ये कुरान अल्लाह ताला ने बहुत ही इज्जत के सहीफे में नाजिल फरमाया है, इसका मकाम बहुत ऊंचा है. ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निहायत बाइज्जत पाकबाज फरमा बरदार फरिश्तों की जमात के जरिए अल्लाह ताला ने कहा. इसलिए जो शख्स इसको कबूल नहीं करता और इसको नहीं मानता तो फरमाया गया कुतिल इंसान मान रखता है, वो तबाह है, बर्बाद है और उसकी बर्बादी में इजाफा ही होता जाएगा जिसने कुरान का इनकार कर दिया है. और इसको कलाम इलाही होने की हैसियत से नबी के पेश करने पर कबूल नहीं किया. अरब में एक मकूला है और बददुआ के अल्फाज हैं, अरब कहते हैं पहले जमाने में भी और आज भी कहते हैं काकलहुल्लाह, अल्लाह इसे हलाक करे, अल्लाह इसे बर्बाद करे. अल्लाह ताला ने उसी माना है इस्तेमाल फरमाया है तो तिलक इंसान मा अक्सरा. जो इंसान कुरान मजीद का मुनकिर है और वो उसके लिए और जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर है उसके लिए तबाही बर्बादी है, उसके लिए हलाकत के अलावा कुछ भी नहीं है. इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तवज्जो दिलाई कि अहले ईमान की तरफ तवज्जो फरमाइए. अहले ईमान चाहे गरीब ही क्यों न हो, अहले ईमान चाहे निहायत बेहैसियत ही क्यों न हो, वो ज्यादा हक रखते हैं कि आप उनकी जानिब तवज्जो फरमाएं. दूसरी जगह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बात की तरफ मुतवज्जे फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है वला तकरुबिल लदीन यदउन रब्बहुम بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں
बेहैसियत लोगों की तरफ से आप अपनी निगाह मत फेर लीजिए। जो लोग ईमान लाकर आपके पास हैं और आपके साथ मौजूद हैं, चाहे समाज में उनका मकाम कितना ही गिरा हुआ क्यों न हो, लेकिन आपको ज्यादा तवज्जो उनके साथ करनी चाहिए और उनकी जानिब देनी चाहिए। और एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को उन निहत्ते बेबस गरीब ईमान वालों से जोड़ के रखिए जिन्होंने अल्लाह ताला को सुबह शाम याद किया है और वो हर वक्त अल्लाह ताला से लड़ रहा है, करता रहते हैं, अल्लाह के हुक्मों को कबूल करते हैं, अल्लाह के हुक्मों पे चलते हैं, अल्लाह की रिजा की फिक्र में रहते हैं। आप अपने को इनसे जोड़ के रखिए, इनमें जुड़े रहना। आप इनको अपनी सोहबत दीजिए, इनको अपनी सोहबत में रखिए, इनको अपने साथ उठने बैठने का मौका दीजिए, क्योंकि ये हक रखते हैं आपकी मुबारक सोहबत में रहने का, जिन्होंने आपकी दावत कबूल की। और जिन्होंने आपकी दावत कबूल नहीं की, आप उनकी तरफ ज्यादा एहतमाम मत फरमाइए। आपका काम तो दावत है और आप दावत दे चुके, लिहाजा अब उन लोगों की बदनसीबी है जो उन्होंने आपको कबूल नहीं किया और आपकी दावत को कबूल नहीं किया, तो आप उनकी परवाह भी मत कीजिए। आप उनकी परवाह कीजिए जो ईमान लाए हैं और उनकी तरफ जानिब ध्यान देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे के हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से अल्लाह ताला का की तरफ से ये पकड़ आई और अल्लाह ताला ने आपके इस अमल का मुआफ़ज़ा फरमाया और दूसरी जगहों पर ऐसा न करने की ताकीद फरमाई। और इस वक्त ये बात अल्लाह ने फरमाई कि जो ईमान के साथ आपकी बात सुनने के लिए आया था, आप उसको नसीहत करते तो आपकी नसीहत उसको नफा देती और वो उस नसीहत को कबूल करके अमल करके फायदा उठाता। और जिनके पीछे आप लगे हुए हैं, ये ऐसे हैं कि इनके दिलों पर मोहर लग गई है और इनको इनकी बदनसीबी यकीनी और ये मानने वाले हैं। चुनाचे उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे और जिनकी हिदायत की उम्मीद पर उन्हें समझा रहे थे, वो सब कुफ्र पर मरे। 200 मक्के में अपनी मौत आप कुफ्र के ऊपर मर गए। एक गज़वे बदर के अंदर कुफ्र की हालत में मुसलमानों के हाथों से मक्तूल हुआ। इस तरह उनकी नसीब में नहीं। और वो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आते थे और आप उनसे बात करने में ज्यादा तवज्जो फरमाया करते थे। इसलिए उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इन आयतों के जरिए से अल्लाह ताला ने जिन काफिरों तक दावत पहुंच चुकी है उनके मुकाबले और वो फिर भी ईमान नहीं लाते, उनके मुकाबले में ईमान वालों को अहमियत देने, ईमान वालों की जानिब तवज्जो करने और उनकी सलाह व फलाह और उनकी दुरुस्तगी की फिक्र करने को अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा जरूरी करार दिया और उसकी अहमियत और उसकी अफजलियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत के बयान फरमाया है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके बाद से जब कभी अगर अब्दुल्लाह इब्ने उमर मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते, हालांकि बता भी ना थे, जाहिर है वो मस्जिद में आते, उन्होंने हिजरत भी की, फिर मदीने मुनव्वरा में भी रहे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनसे बड़ी मोहब्बत की और इनके साथ हमेशा ताल्लुक का साथ रखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब भी ये मस्जिद नबवी में हाजिर होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक पर थी तो आप बड़े ही मोहब्बत से इस्तकबाल करते थे और फरमाते थे, मरहबन बिका आतबनी रब्बी, आओ आओ खुश आमदी, तुम्हारे वजह से अल्लाह ताला ने मुझ पर इताअत फरमाकर मेरी इस्लाह फरमाई थी और मेरे अमल को दुरुस्त किया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये कहकर हुजूर उनका हमेशा इस्तकबाल करते थे। और जैसे वो करीब आते तो उनसे पूछा करते थे, कोई हाजत लेके आए हो, कोई जरूरत तो नहीं है तुमको, और वो कोई हाजत बताते तो फौरन आप उनकी हाजत को पूरी फरमाया करते थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इतनी मोहब्बत फरमाई कि नाबूना होने के बावजूद अपने 2 सफरों के दौरान मदीने मुनव्वरा में उन्हें अपना जानशीन बनाया और अपने रयात पर अपनी जगह बिठाकर तशरीफ ले गए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरों में भी उनके साथ बड़ी खास रियायत का, मोहब्बत का मामला फरमाया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
इस तर्ज अमल और इस कुलू के अधीन से हमें ये बात सीखना चाहिए कि अगर किसी की वजह से इंसान की उसके बड़े पकड़ करें और उसकी इस्लाह दुरुस्तगी का वो सबब बने या उसकी शिकायत सबब बने तो ऐसी सूरत में उसकी तरफ से दिल में कोई मैल नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको अपना महसिन समझना चाहिए और उससे मोहब्बत में इजाफा कर देना चाहिए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मोहब्बत में इजाफा फरमा दिया, उनकी तरफ हमेशा तवज्जो फरमाई। चूंकि अल्लाह ने फरमाया कि आपने उनसे मुंह फेर दिया ना, तो आगे हमेशा उनको देखते ही उनसे पूछते थे ये हाजत है, किस हाजत को लेकर आए हो, कोई जरूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, उनको पूछते और उसको पूरा किया करते थे। फिर इसी तरह इज्जत देकर, एजाज देकर, अपना जानशीन अपने गयाब में बनाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को और फिर उनके जरिए से कयामत तक के उम्मतियों को सिखाया कि अगर कोई शख्स हमारी किसी गिरफ्त को पकड़ कर सबब हो जाए तो उस शख्स से हमारे दिल में मैल नहीं आना चाहिए, बल्कि उस शख्स की मोहब्बत में इजाफा कर देना चाहिए और उस शख्स को अपना मोहसिन समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान जो अल्लाह का, रसूल का, नबी का, कुरान का इनकार कर रहा है वो कभी अपनी असलियत पर गौर नहीं करता। अगर अपनी असलियत पर गौर करे तो वो अल्लाह ताला की नाफरमानी की जुरत भी नहीं कर सकता। लेकिन इंसान अपने को कभी सोचता नहीं कि उसकी असलियत क्या है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मिन अज्जी शैइन खलक, ये इंसान किस चीज से पैदा हुआ है, मिन नुत्फा, एक कतरे नापाक से जिसकी कोई हैसियत नहीं, बल्कि उस कतरे नापाक से खुद उसको घिन और तअफ्फुन होता है और वो खुद उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। हल अता अल इंसान हीन मिन अल-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, लेकिन इसके बावजूद फिर वो बड़ा होता है तो मुतकब्बिर बनता है और इतना मुतकब्बिर कि अपने खालिक और मालिक के मुकाबले में तकब्बुर करना रखता है और उसकी दावत को ठुकरा देता है। इन नुत्फा खलकहु फकद्दरा, अल्लाह ने उस नुत्फे से उसको पैदा किया और फिर उसको दर्जा बदर्जा एक हसीन शकील इंसान बनाया। जब वो मुकम्मल हो गया तो मस्तबील अयसर, उसका वजूद आसान फरमा दिया। फिर वो जब दुनिया के अंदर आ गया तो जितनी उसकी उम्र थी उसको पूरी किया, तो मामातहू फअकबरा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मौत दी, फिर जमीन में छुपाया। अकबरा के माने जमीन के अंदर छुपाने के हैं और जमीन के अंदर छुपाना ये बंदे के इकराम की वजह से है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो इंसान मारा था और उसके भाई ने उसको मारा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इब्तदाई औलाद में एक भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया था। करने को तो कत्ल कर दिया लेकिन फिर उसको ये पता नहीं था कि अब इसका क्या करना चाहिए, इसलिए कि वो पहला मुर्दा था जमीन के ऊपर, तो इसको करना क्या चाहिए इसको कुछ पता नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से दो कब्बे भेजे, उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, एक कब्बे ने दूसरे को मारा और जब वो मर गया तो उसने अपने पंजों से जमीन को खुरच कर तैयार गढ़ा बनाया और जब वो गढ़ा हो गया तो उसने उसको दबा करके उसके ऊपर मिट्टी बराबर कर दी। तो उस वक्त में इस शख्स को समझ में आया कि अल्लाह तबारक व तआला शानहु ने एक कब्बे को अपने मुर्दा भाई के लिए क्या करना चाहिए ये समझ थी, और मैं तो उस कब्बे से भी गया गुजरा हो गया कि मेरी समझ में भी ये नहीं आया कि क्या करना चाहिए। फिर उसने भी गड़ा खोदा और गड़ा खोद करके अपने भाई को जमीन में दबा दिया। चूंकि ये पहला मुर्दा था, अल्लाह तबारक व तआला शानहु को सिखाना था तो अल्लाह ने सिखाया, और यही अल्लाह की तालीम है कि हर मरने वाला चाहे वो किसी दीन ईमान का हो उसे जमीन के अंदर छुपा देना चाहिए, इसलिए कि अगर उसको जमीन के ऊपर रख छोड़ा जाए तो उसे दरिंदे और परिंदे नोच नोच करके खाएंगे और ये इंसान के इकराम के खिलाफ है। और अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत दी है, वलकद करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान की इज्जत यही है कि अगर वो मर जाए तो उसे जमीन में दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए और उसको जमीन पर रख कर न छोड़ा जाए कि उसकी तौहीन हो और उसकी जिल्लत और बेइज्जती का सामान हो
ऐसा न किया जाए। इसीलिए फरमाया कि जब इंसान को मौत दी तो फाखबरा हो, फिर उसको जमीन में छुपाना सिखाया और उसे जमीन में छुपा दिया गया। तो मैदाशाह कि जब वो अल्लाह चाहेगा तो उस वक्त में फिर उसको नश्र करेगा और जमीन से निकाल कर अपने सामने खड़ा करेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उससे हिसाब करेगा, सवाल जवाब करेगा। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये तमाम सूरतें अकीले आखिरत की वजाहत कर रही हैं और उसके यकीन उनको साबित कर रही हैं। इस सूरत के शुरू में अगर सिर्फ एक वाकया आ गया है लेकिन असलन सूरत का मजमून मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के यकीनी होने का है। अगली आयतों में भी अल्लाह ताला ने इन बातों को इसी मिसालों से आम फहम तरीकों से समझाया है ताकि बंदे उसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अपने फज़्ल करम से हमें तौफीक नसीब फरमाए कि हम अपने अकीदे आखिरत को मजबूत और मुस्तहकम रखें और अल्लाह तबारक व तआला शानहू के पैगंबर और अल्लाह की किताब की तमाम हक और कदर करने वाले और उससे सही मामलों में इस्तेफादा करने वाले बने। वाकई